अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जमात इस्लामी के कारकुनान से मेरी गुजारिश है कि मेंबर साजी मुहिम को तेज़ करें। इस वक्त अवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उन्हें किसी नजात दहिंदा की ज़रूरत है, और नजात दहिंदा हाफिज़ नईमुर रहमान के सिवा कौन है। उनको जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से मुनज़्ज़म करें, मेंबर बनाएँ, ताकत बनाएँ ताकि ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो और आज़ादी की जद्दोजहद को तेज़ किया जा सके। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, कलमे के निज़ाम के लिए बना। यहाँ के लोगों ने आज़ाद कश्मीर को इंडिया की से आज़ादी दिलाई, यहाँ के लोगों ने अफगानों को आज़ादी दिलाई, यहाँ के लोग ही पूरी दुनिया के मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे, और यहाँ के लोग ही फ़लस्तीनियों को भी आज़ाद करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को जुल्म से निजात दिलाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के मुसल्लत करदा हुक्मरानों से, माफिया से आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है, जो इस मुल्क के वसायल पे काबज हैं, जो उनके मुफादात का तहफ़ करते हैं। ये लोग अपनी दौलत को और अपने बच्चों को अहल मगरब के पास गारंटी के तौर पर रखवा कर इस मुल्क का इकतदार हासिल करते हैं, उनके मुफादात का तहफ़ करते हैं, और इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों को इन्होंने जुल्म की चक्की में पीस के रख दिया है। आज़ादी की इस जंग के लिए लोगों को मुनज़्ज़म करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल करें। टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब पे अपने मौजूद अकाउंट्स के ज़रिए लोगों को हाफिज़ नईमुर रहमान का पैगाम पहुँचाएँ, जमात इस्लामी की दावत पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचें, उनको मुनज़्ज़म करें, उनको शऊर दें, उनको बताएं कि आप एक ताकत हैं। आप 25 करोड़ लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जुल्म का ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।